यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेट वाली कुर्ती पे एक बहुत ही सुंदर और सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं। और यह हमारी कुर्ती का नेट वाला कपड़ा है और नीचे की तरफ इसका अस्तर वाला कपड़ा है, यानी कि लाइनिंग वाला कपड़ा है। और देखिए, कटिंग करने के बाद मैंने दोनों कपड़ों को मिला के और इस पे मैंने चारों तरफ सिलाई लगाई है। देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे तक सिलाई लगा के और नेट वाले कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को मैंने अटैच कर लिया है, यह आप देख सकते हैं। और यह हमारी कुर्ती का आगे वाला हिस्सा है, यानी कि फ्रंट वाला भाग है, इस पे हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है। इस बुकरम को भी सेंटर में से ऐसे मोड़ के रखेंगे। और देखिए, नेक की चौड़ाई मैं 1.25 इंच रखूँगी। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो आप 3 इंच रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो नेक की गहराई है वो मैं 6.5 इंच रखूँगी। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो 7 इंच रख सकते हैं, और छोटा नेक पहनते हैं तो आप 6 इंच रख सकते हैं। इसके बाद मैं दोनों लाइन को ऐसे सीधी कर दूंगी और अब मैं यहाँ से इसमें हल्की सी गुलाई दूंगी। देखिए, हमको यहाँ से ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है, बस इस कॉर्नर पे से हल्की सी गुलाई देनी है। इसके बाद 1.25 इंच की दूरी से मैं इसमें एक मार्क और करूँगी और अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और देखिए, ये मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपकाएंगे। अगर आपकी चिपकने वाली बुकरम नहीं है तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसको प्रेस से चिपका लूँगी। तो देखिए, ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है और चारों तरफ से कपड़े को मोड़ के मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करूँगी। देखिए, बीच सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। एक सिलाई हम इसमें यहाँ पे बीच सेंटर में लगाएंगे, उसके बाद हम बुकरम के पास में चारों तरफ लगा लेंगे। और देखिए, ध्यान रखना है, सिलाई आपकी बुकरम के नीचे होनी चाहिए, बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। अब कपड़े की कटिंग करके इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब हम अपने नेक को सीधी साइड में पलट लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम नेक को ऐसे पलटेंगे और अब हम इस पे यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे और इस सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम पूरी कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने अपनी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हम इस नेक में मिरर लगाएंगे, यानी कि शीशे लगाएंगे। इस तरह से हम पहले शीशा रखेंगे, ऊपर उसका फ्रेम रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम इनको अटैच करेंगे। देखिए, आप इनको सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं और आप इनको इस गिलू की मदद से भी चिपका सकते हैं। हम इनको पूरे नेक के ऊपर चिपका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे नेक के ऊपर शीशे चिपका लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले हम इस तरह से देखिए शीशा रखेंगे, उसके ऊपर हम फ्रेम को रखेंगे और ये हमने इस तरह से रख के इस ग्लू की मदद से चिपकाए हैं। और फ्रेंड्स, ये शीशे आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, जहाँ पर सिलाई संबंधी सामान मिलता है। तो ये नेक अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। थैंक यू।